तो मैं भी सरप्राइजित होगा। आप मोदी जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? ना ना, उनके नक्शे कदम पे कोई चलूं बर्बाद हो जाऊंगा, आगे दुनिया बर्बाद हो गई है। ओहो, 56 इंच का सीना किसी के नहीं है। मैंने यहाँ इंची टेप करके सब लोगों को नापा था, सब लोगों का नापा था, 56 इंच का सीना किसी का इस मुल्क में नहीं है। ओहो, फिर वो जोश में भी तो झूठ है, बहुत कुछ है बताऊंगा, कुछ सीक्रेट है मेरा। जैसे उसका सीक्रेट रहता है ना, सरप्राइज दूंगा 8 बजे नोट डिबल, सरप्राइज दूंगा GST रात को 12 बजे, सरप्राइज दूंगा राफेल 500 से 1500 करोड़ में हो गया। देश का डंका ये सबसे बड़ा डंका है, 2000 का नोट बंद कर दिया, इससे बड़ा डंका और क्या चाहिए आपको? देश में अर्थव्यवस्था खराब कर दी सारी इसने। आप संसद भवन को छोड़िए, लोगों की संसद खराब हो चुकी है, लोग परेशान है। ओहो मैडम, मोदी जी का डंका बज रहा है ना, कहाँ बज रहा है? 2000 का नोट कोई दुकान वाला नहीं ले रहा, कह रहे जी बैन हो गया। एक दुकानदार वाला 2000 का नोट नहीं लेता। सबसे छूट जुमले बाजी, और ऐसा देश का प्रधानमंत्री है, ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो झूठ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं है। प्रीति जी, उनको वो चूड़ियां लेके ब्रिजभूषण को पहनाए, चूड़ियां लेके ब्रिजभूषण को पहनाए, सिलेंडर लेके मोदी जी के पास जाए, दिखाया चिप को, कहां चिप भाई, क्यों लोगों को भ्रमित करते हो भाई आप? मैं क्या, सुनिए, सबसे घटिया अगर झूठ जुमलेबाजी बोलते हैं जो बीजेपी की सरकार है। आप जानते अरे बोलिए कौन, देश जानते हैं, सुनिए, डरते हैं। मोदी जन पड़ा है, बताइए मोदी जन पड़ा डर गया। नमस्कार, मैं दीपा सिंह, अभी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ और आप सभी का जनित आवाज में स्वागत है। मेरे साथ है मलिक जी, इनके पास देख सकते हैं बहुत सारे नोट है, इतने नोट है इन्होंने चिपका लिया है। हाँ, ये पीछे भी है इनके पास नोट, और इतने सारे लोगों को नोट नहीं मिल रहा है, आप इतना नोट चिपका के घूम रहे हैं। ये फेक करेंसी है, 80 रुपए के लाए खरीद के बाजार में से, 80 रुपए के खरीद के लाए बाजार में। जनता को ये कहना चाहता हूँ कि ये मोदी जो भ्रम फैला रहा है, मोदी जी जो सरकार है सब झूठ बोलते हैं। पहले इन्होंने कहा जी 1000 का नोट बंद कर दिया, क्या दिक्कत थी भाई? 500 का नोट बंद करे, क्या दिक्कत थी भाई? तो ये काला धन आ गया क्या? ये 2000 का नोट इन्होंने चलाया था कि 1-2 साल में ये बंद कर दिया, क्यों? इसमें चिप है, चिप। चिप उनसे पूछिए कहाँ है, मेरे को तो नजर नहीं आ रही। चिप उनको पूछिए कहाँ है, लोगों भरमित मत करें। नेशनल मीडिया चलाया था कि इसमें चिप है। नेशनल मीडिया ने चिप दिखाई आपको? नेशनल मीडिया ने चिप दिखाई कभी आपको? दिखाई ना, जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं वैसे वो झूठ बोलते हैं। चिप दिखाई, दिखाया चिप को, कहाँ चिप भाई, क्यों लोगों को भ्रमित करते हो भाई आप? सी इतना नोट रखे हुए हैं कहाँ? अभी आप कुछ गए बैंक में बदलवाने के लिए, सुनाया हमने। मैं कह रहा 2000 का नोट कोई दुकान वाला नहीं ले रहा, कह रहे जी बैन हो गया। एक दुकानदार वाला 2000 का नोट नहीं लेता। पूरे मई तक तो चालू है। कहाँ चालू, आप जाइए आपको पता लगेगा। नहीं करे, आप जाइए, कोई नहीं देता, कोई नहीं देता, नहीं बदलते, बदल रहे। आप दुकान में, मैं कल कनॉट प्लेस गया, सदर बाजार गया, सदर बाजार में मैं गया, मैंने कहा 2000 का नोट है, चल तू मुझे 1 किलो किशमिश दे दे 300 रुपए की, कह रहा जी मेरे पास खुले पैसे नहीं है। सदर बाजार इतना बड़ा व्यापारी बाजार, वहाँ उनके पास 2000 नोट खुले नहीं है। बताओ इतना बड़े बाजार में 2000 का नोट में कौन जी 200 रुपए की दे दो? ये तो मोदी जी से पूछिए ना, आपने चलाया था 2000 का नोट, अब लोग ले ही नहीं रहे, वही लोग नहीं ले रहे 2000 का, आपने चलाया है, लोग ले ही नहीं रहे, आपने लोगों से पूछा इतनी जल्दी? बार बार मोदी जी पे जो इतना लांछन लगाते हैं, इल्जाम लगा रहे, मोदी जी का डंका बज रहा है भी देशों में। ओहो मैडम, मोदी जी का डंका बज रहा है ना, कहाँ बज रहा है? जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। देश में क्या हो रहा है? देश में भी बज रहा है। कहाँ बज रहा है देश में? नहीं नहीं, कहाँ बज रहा है? मोदी जी ने विदेश में जाके कहा कि मेरे देश की बेटियां यहाँ बैठी है, देश का गोल्ड लेके गई थी, वो वहाँ न्याय के लिए बैठी है, उनको मैं न्याय नहीं दे रहा, बोला विदेश में। सच्चा आदमी बोलता ना, वैसे कहते मैं भक्त है, वहाँ बोला, जापान में बोला, एक छोटी सी कंट्री में प्रधानमंत्री ने चरण क्या छू लिए, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है वहाँ के देश प्रधानमंत्री। तो क्या ये डंका बजा रहे हो? अरे अपने देश का डंका ये सबसे बड़ा डंका है, 2000 का नोट बंद कर दिया, इससे बड़ा डंका और क्या चाहिए आपको? देश में अर्थव्यवस्था खराब कर दी सारी इसने, 2000 का नोट बंद करने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। डिजिटल इंडिया हो गया, पूरे विश्व में भारत अपना नाम रोशन कर रहा है। ओहो हो, कि मोदी से जाके पूछो, पूछो मोदी से कि मोदी, आप पूछिए, मैं आपको कहता हूँ मोदी जी 2000 का नोट बंद कीजिए। आपने रिपोर्ट नहीं
नहीं देखा। नहीं नहीं, आप रिपोर्ट छोड़ो, आप जाओ, मैं आपको कह रहा हूँ, आप पब्लिक के लोग हो, नुमाइंदे जाइए। मोदी जी 2000 का नोट बंद क्यों किया? वो सब छोड़िए, नहीं वो क्यों सब छोड़े, अभी रिपोर्ट में आया है मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता। ओहो, मैं क्या, सुनिए, सबसे घटिया अगर झूठ जुमलेबाजी बोलते हैं जो बीजेपी की सरकार है, सबसे झूठ जुमलेबाजी। और ऐसा देश का प्रधानमंत्री है, ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो झूठ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं है, हमें शर्म आती है। 56 इंच का सीना बर्दाश्त नहीं है। ओहो, 56 इंच का सीना किसी के नहीं है। मैंने यहाँ इंची टेप करके सब लोगों का नापा था, सब लोगों का नापा था, 56 इंच का सीना किसी का इस मुल्क में नहीं है। ओहो, फिर वो जोश में भी तो झूठ है, क्यों झूठ बोल रहे हैं यार? झूठ बोलते हैं तो पकड़ा जाता है, झूठ पकड़ा जाता है उनका। आपने देखा होगा मोदी जी ने क्या कुछ किया है, 2014 के बाद सबका साथ सबका विकास किया, सबका विनाश किया, ये नहीं कह रहे आप? सबका विनाश तो हुआ, मैं नहीं 2014 से पहले कुछ बना नहीं क्या? आप किस में आते थे, पैदल आते थे या ट्रेन में? 2014 से पहले की बात करो, आते थे? ये सड़क कब बनी हुई है? 2014 के बाद बनी है, ये अंग्रेजों के आंदोलन के टाइम पे भी ये बनी हुई है, ये जंतर मंतर है, ये कार्यालय होता था हमारा राम मंदिर तो। सुनिए, अरे आप राम को नहीं मानते क्या? मानते, आपके घर में मंदिर है ना, है ना? नया संसद भवन बन गया। अरे आप संसद भवन को छोड़िए, लोगों की संसद खराब हो चुकी है, लोग परेशान है, लोगों की बात सुनो। कांग्रेसी हूं मैं, कांग्रेसी हूँ, कट्टर कांग्रेसी हूँ, सीना ठोके फंड देता है बोलने के लिए। सुनिए, ऐसा है, कांग्रेसी हूँ, 50 साल से कांग्रेस में हूँ, गोली भी खा सकता हूँ, लाठी भी खा सकता हूँ, इनमें दम नहीं है, बंद करना कर दो, डरता नहीं है कांग्रेसी। ये राहुल गांधी का शेर है, राहुल गांधी का शेर। उसने कर्नाटक भी जीत लिया, हिमाचल भी जीत लिया। नड्डा कहते थे कुछ नहीं, नड्डा वहीं रहते थे हैं हिमाचल में, नड्डा नहीं बचा सके हिमाचल, नड्डा जी हिमाचल नहीं बचा सके। अभी स्मृति ईरानी ने अभी बोला है कि हमने उनको भगा दिया वायनाड। क्या दिया? हमने अमेठी से वायनाड भगा दिया। एक मिनट, स्मृति जी, उनको वो चूड़ियां लेके ब्रिजभूषण को पहनाए, चूड़ियां लेके ब्रिजभूषण को पहनाए, सिलेंडर लेके मोदी जी के पास जाए कि 1200-1158 रुपए का सिलेंडर है मोदी जी, ये लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कांग्रेस के राज में 410 रुपए का था, और आज धनिया 300 रुपए किलो मिलता है, धनिया, हरा धनिया मोदी जी के राज में। मैं आपको बताऊं, उनसे पूछिएगा, स्मृति ईरानी, मैं तो विरोध कर रहा हूँ, क्या कर आई इनके पास आई? अरे उनकी बेटियां हैं, अपनी बेटी के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इन बेटी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती क्या? इन बेटियों पर अन्याय हुआ है, उसकी पार्टी का सांसद ने किया, क्या अपनी बेटी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती? बताओ आप, पूछो जाके। नए नए तरकीब लाते हैं आप, नए नए तरकीब लाते हैं, ये कभी एनसी टेप, कभी बुलडोजर, कभी कूड़ा उठाने वाला, और कभी इन 2000 अभी, अभी मेरे पास मेरे पास मेरे मेरा अपना आइडिया है, पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। अनपढ़ कौन है? अनपढ़ आपको जानते हैं कौन है? कौन है वो? आप जानते हैं? अरे बोलिए कौन? देश जानते हैं? सुनिए, डरते हैं? मोदी जन पढ़ा है, बताइए, मोदी जन डर गया, बताइए, मोदी जन पढ़ा है, डिग्री दिखाई उन्होंने? देखी, सुनो, डिग्री लेते हैं ना, आपने डिग्री ली होगी तो हम वो काली टोपी पहन के फोटो खिंचवाते थे, हैं? हम शौचालय के बजा के फोटो नहीं खिंचवाते, वो तो डंगा बजा के कहते हैं हम अनपढ़ हैं, पढ़े ही नहीं, वो शौचालय के बजा के फोटो खिंचवाते हैं ना, डिग्री में थोड़ी खिंचवाएंगे, हम तो डिग्री लेके फोटो खिंचवाते हैं। बोल, बस डर गया मैं, बताया ना मोदी जी अनपढ़ है, अब बताइए क्या करें आप? ये जो नए नए तरकीब लाते अभी मेरे पास अभी 10 हो रहे हैं, ऐसी नई नई तरकीबें आएंगी, देख के दंग रहेंगे। मेरा विरोध करने का तरीका ही अलग है, लोगों को जागृत करना है। कहते हैं ना, जब अंग्रेजों को जागृत करते रहे, सरोजिनी नायडू थी, कठपुतली का डांस दिखाती थी, मैं भी कठपुतली का डांस कुछ दिनों में दिखाऊंगा। बड़े बड़े जो सरोजिनी नायडू, अरुण आसफ अली, जितने शहीद हुए, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बड़े बड़ी चीज़ें की, घर में छुप के अपने टाइप करके प्रेस करके लोगों को बांटते थे पर्चा, क्योंकि देश को आज़ाद कराना था। हम तो इस सरकार से, झूठी सरकार से, तानाशाही सरकार से जान छुड़ाना चाहते हैं लोगों को। सारी चीज़ें गलत नहीं हो सकती 2014 के बाद? सब चीज़ें गलत है मैडम, देखो आप वो मत करो, आप सच्चाई की बात करो। 2014 में क्या था? प्लेन नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, बसें नहीं थी, रोजगार नहीं थे, 2014 के बाद सब कुछ आया। अरे 2014 के बाद सब कुछ था, पहले भी था, लेकिन आज चाइना और पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। चाइना 20 किलोमीटर अंदर आ गया ना चाइना, किसके दम पे आया? देखो हमारा काम है रोटी कपड़ा मकान, इनका काम है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान।
हमारा काम है रोटी कपड़ा मकान, इनका काम है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, ये और कुछ नहीं कर सकते। और आगे क्या क्या करेंगे? बहुत कुछ है बताऊंगा, कुछ सीक्रेट है मेरा, जैसे उसका सीक्रेट रहता है ना, सरप्राइज दूंगा 8 बजे नोटिबल, सरप्राइज दूंगा GST रात को 12 बजे, सरप्राइज दूंगा राफेल 500 से 1500 करोड़ में हो गया तो मैं भी सरप्राइज ही दूंगा। आप मोदी जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? ना उनके नक्शे कदम पे चलूं बर्बाद हो जाऊंगा, अगर दुनिया बर्बाद हो गई है उनके नक्शे कदम पे क्यों चलूंगा। मैडम मैं सीधा साधा कांग्रेस से कर करता हूँ, लोगों का भला चाहता हूँ। एक नई अपडेट आई है, ब्रजभूषण सिंह ने कह दिया है और बहुत गलत बात है, जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं लेकिन उसी तरफ BJP के सांसद कहते हैं कि विनेश फोगाट मंत्रा है। ऐसा सुनिए, उनको शर्म आनी चाहिए एक देश की बेटी को ऐसा बोलना, एक देश की बेटी को। बेटी 2 घंटे घर में ना जाए ना तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, और बाप अगर 2 घंटे घर में ना आए तो बेटी परेशान हो जाती है। ये 1 महीने से बैठी हैं, क्या इनके माँ बाप नहीं हैं जो देश का गौरव है, उसको शर्म नहीं आती? एक तो तुम्हारी बेटी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जो उनके लोग जा रहे हैं ना उसके पास, वो पहले अपने घर के बेटियों से पूछे कि हम ब्रजभूषण के पास जा रहे हैं, जाएँ कि ना जाएँ, वो बेटी सही सलाह देगी, नहीं पापा मत जाना वो गलत आदमी है। 40 केस हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास बहु बेटियां हैं, हम उनको बेटी की तरह से मतलब गले लगाते थे। बेटी की तरह ये बेटी क्यों कहता है? एक तरफ कह रहे हैं बेटियों तो कह रहे गले लगाते थे, शर्म नहीं आती? सीधा बोल बेटी थी मेरी, ये क्यों कह रहे हैं गले लगाते थे, शर्म नहीं आती सिर्फ बात करने की? शब्दों में हेर फेर देखो, इनका शब्दों में हेर फेर। उन्होंने अपने अपने दोहे के नीचे में लिखा था प्राण जाए पर वचन न जाए। हम कहते हैं तलवारों की धार पे जंग की आजादी पलती है, इतिहास उधर चल देता है जिधर जवानी चलती है। कहते हैं कि एक आखिरी सवाल, शुरुआत से हमेशा से और अभी भी कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह के इसके पीछे कांग्रेस है, कांग्रेस इनके साथ सारे हैं, आप बताइए इनके पास कौन पीछे? अरे सुनो, इनके पास कौन नहीं आया? भूपिंदर सिंह हुड्डा आए, दीपेंद्र हुड्डा आए, राकेश टिकैत आए, आपके प्रियंका गांधी जी आई, आपके सारे JNU यूनिवर्सिटी आई, दिल्ली यूनिवर्सिटी आई, कई संगठन, कई मजदूर संगठन, कई क्या कहते हैं अपने सोशल, कई पंचायतें, सब लोग आके अपना समर्थन दे रहे हैं। 130 करोड़ लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, सिर्फ समर्थन क्यों नहीं दे रहा? सिर्फ BJP के लोग। स्मृति ईरानी की आपने बात करी, बेटी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो ये इस बेटी के लिए ब्रजभूषण को चूड़ियाँ दे, ब्रजभूषण को चूड़ियाँ पहनाए कि बेटियों पर अत्याचार। सांसद है आप लोग ऐसे, तो वो सांसद, वो भी तो सांसद है। कौन सांसद है? स्मृति ईरानी, बोले ना जाके उनको, देखिए अतीक अहमद, अतीक अहमद के बारे में आप थोड़ी सुनिए, आप मेरे को ये बातें मत करिए, अतीक अहमद या फलाना महल में, आप बात करिए नोटबंदी की, नोटबंदी क्यों बंद हुई? सिर्फ नोटबंदी पे बोलिए, नहीं कल आप ये बताइए जो वो चेक करिए, आप वो छोड़िए। कितना पैसा जमा करा दिया बैंक में? किसने? आपने? मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं आपको बताया नहीं, सच्चाई नहीं बताई, 80 रुपए का ये नोट लाया हूँ, 80 रुपए का सदर बाजार से, कोट मेरा अपना है सर्दियों का पहना हुआ है। इतनी गर्मी में ये जमात, इन्होंने मैंने आपको बताया गर्मी में कोट पहना हुआ है, कांग्रेस में, कांग्रेस ही वही, गर्मी हो सर्दी हो तूफान हो उल्टा पुल्टा काम करेंगे, आंदोलन आंदोलन होता है मैडम, आंदोलन गर्मी सर्दी ये नहीं देखा जाता। टी-शर्ट पे भी चिपका सकते थे, कोट पे क्यों? कोट में 10 लाख का कोट बताना चाहते, वो 10 लाख का पहनते हैं सूट, पहनते हैं ना 10 लाख का सूट पहनते हैं, वही सूट के, वही सूट लोगों क्यों दिखा रहे हो 10 लाख का सूट? अरे देश के गरीब देश है यार, कुर्ता पजामा पहनो, वो पहन के दिखाओ, दिन में 10 ड्रेसें मत चेंज करो, समझ गए? इसलिए नोटबंदी का मैं विरोध करता हूँ, कड़ा विरोध करता हूँ। देख सकते हैं ये मलिक जी हैं और ये हमेशा से अलग अलग तरीके से अपनी जो है आंदोलन को, अपने जो है सरकार की विरोध जो है अपना प्रदर्शन करते हैं, कभी इंची टेप लेके, कभी बुलडोजर लेके, और आज नोटबंदी पे, और कभी पाप का घरा, इन्होंने तमाम तरीके से विरोध किया है, और आज नोटबंदी पे इन्होंने जो है नोट अपने ऊपर छपाए हैं, और ये जब से पहलवानों का धरना है तब से ये बोल रहे हैं पहलवानों के समर्थन में अलग अलग तरीके से। आपकी इस पूरी खबर पे क्या रहा है, कितने सहमत है इनसे, कितने असहमत है, कैसा लगा इनका तरीका, हमारे दर्शक आपको जरूर बताएंगे, आपको पसंद भी करते हैं, और इनकी इनकी जो तरीके हैं, इनके जो तरीके हैं आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।